डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12 नीट आईटीजेई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउट नट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउट नट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउट नट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2017-20 के हैं, पाठ्यक्रम BA BSc BCom का 19 दिसंबर से एग्जाम देने का वेट कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे ये वीडियो हर एक छात्रों के पास पहुँच सके। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का छात्रों का आवाज़ है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा, तो हमें अप्रिसिएट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए इतना हमारी टीम मेहनत करती है, तो हमें अप्रिसिएट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में एक ऐप होता है, इंस्टॉल कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए VKSU आरा ऑफिशियल, लगभग 8000 छात्र मिलेंगे, वहां पर जुड़ जाइए। जो भी नोटिस रहता है हम लोग वहां पर डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, वहां से पेज को लाइक कर सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं परीक्षा देने का पैटर्न में बदलाव है, तो ये तो आपको पहले ही पता है कि इस बार आपका 90 मिनट 1.5 घंटा का एग्जाम होगा और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर OMR पर परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन देख सकते हैं सभी सेंटर पर जैमर लगेगा और स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये जैमर होता क्या है और कैसे करें पाठ्यक्रम का तैयारी, क्या गेस पेपर लेना सही है या सिलेबस से पढ़ाई करें, सिलेबस कैसे मिलेगा, पूरा आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा ने कितना सेंटर इस बार बनाया है पूरे शाहबाद में, ये भी आपको क्लियरेंस बताएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं 45 केंद्रों पर स्नातक पाठ्यक्रम की होगी परीक्षा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 2017-20 की परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। 45 केंद्र देखिए बनना है और इसका पूरा सेंटर का लिस्ट 1 से 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा, तो आपको वीडियो प्रोवाइड करा देगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत सारे कॉलेज में एडमिट कार्ड मिल रहा है, एडमिट कार्ड जाके आप कॉलेज में ले सकते हैं, कुछ कॉलेज में कल से मिलेगा, तो आप लोग कॉलेज में जरूर संपर्क कीजिएगा। इसका ऑनलाइन एडमिट कार्ड नहीं आएगा, वीडियो हम बना दिए हैं इस टॉपिक पर। तो ये देखिए, ये आपका होता है जैमर और ये VKSU के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में लगाने के लिए आदेश दे दिया गया है। कि आपको बता दें BEd का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें इतना हंगामा हुआ है, आपको भी पता चला होगा। महाराजा कॉलेज आरा में VC आधा घंटा बैठ के एग्ज़ाम करा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। जितने भी परीक्षार्थी हैं, परीक्षार्थी के बवाल के चलते वहाँ से टीचर चले गए और कमांडो एग्ज़ाम ले रहा है। आपको एक हम फोटो शेयर करते हैं जहां पर कमांडो दरोगा लोग क्वेश्चन को बांट रहे हैं, मैं उन फोटो को आपको शेयर करता हूं जो हमको भेजे हैं नीरज कुमार प्रोटेक्टर VKSU आरा। तो चलिए आपको फोटो को मैं यहां पर शो कर देता हूं और साथ में सर का पिक भी दिखाऊंगा। सर वहां पर पूरा अपना गस्ता दल के साथ वहाँ पर हैं, तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर VKSU के प्रोक्टर साहब नीरज कुमार को। और यहाँ पर सर पूरा मतलब गश्ती के साथ यहाँ सेंटर पर पहुँचे, जैन कॉलेज का ये फोटो है। उसके बाद आपको चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन को दरोगा लोग बांट रहे हैं, वो भी आपको फोटो को दिखा रहे हैं। पूरे बिहार में सबसे पहले ऐसा एग्जाम VKSU इस बार लिया है और जैमर लगा रहा है, देख सकते हैं छात्रों के साथ ये नाइंसाफी है। क्लास आप ले नहीं रहे हैं, बच्चे कोरोना काल में पढ़ाई किए नहीं हैं, तो बच्चे OMR पर आप नया पैटर्न 2 महीना में जारी कर दिए हैं, बच्चे कैसे एग्जाम देंगे, VC सर को समझना चाहिए। देख सकते हैं महाराजा कॉलेज केंद्र पर क्वेश्चन कौन लेके जा रहा है, BMP कमांडो क्वेश्चन लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं एक एक फ़ोटो, यहाँ पर देख सकते हैं दरोगा वगैरह सदर SDO तक एग्जाम लिए हैं महाराजा कॉलेज केंद्र पर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन कौन बांट रहा है, बिहार पुलिस के सिपाही बांट रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सदर SDPO यहाँ पर पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न VKSU ने पहली बार बदला है, BEd का एग्ज़ाम देख सकते हैं आपका कितने कड़ाई के साथ लिया जा रहा है। और BEd में जो हंगामा हुआ है वो हंगामा ना हो, इसलिए आपको VKSU पहले से सतर्क है और सभी कॉलेज के प्राचार्य को जैमर लगाने का आदेश दे दिया गया। एक से एक आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर ये महाराजा कॉलेज केंद्र का आपको फोटो दिखाया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं
आपको ईसाई लोग क्वेश्चन को बांट रहे हैं, यहाँ पर एक एक फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कदाचार मुक्त परीक्षा लिया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर दो वाहन यहाँ पर आपका गश्ती दल का है, सदर SDO नवादा थाना का गाड़ी है। मतलब ऐसा एग्जाम भिक्की एसयू पहली बार लिया है। अब जैमर लगाने का आदेश है, चलिए आपको वहाँ पर बताते हैं और जैमर होता क्या है और कैसे आपको बचे हुए 3 दिनों में ऐसा तैयारी कर लेना है जिससे आप मिनिमम 70-80% मार्क्स लेके आइएगा, चलिए आपको बताते हैं। ये वीडियो हम कल ही प्रोवाइड करा रहे थे लेकिन कल थोड़ा सा हम व्यस्त थे इसलिए आपको आज वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए यही जैमर होता है। ये जैमर का काम क्या होता है कि आपका मोबाइल नेटवर्क को ये ब्लॉक कर देता है, यानी कि ना आप कॉल कर सकते हैं, ना आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, ना सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, ना इंटरनेट यूज कर सकते हैं। दरोगा परीक्षा का जो मेरा गार्डिंग पड़ा था टाउन स्कूल में, उसमें मैंने देखा है कि मतलब क्लास, मान लीजिए यहाँ पर क्लास है तो क्लास से लगभग 100 मीटर तक हम लोग का ऑफिस था, ऑफिस में जैमर काम नहीं कर रहा था। जो दरोगा का मुख्य परीक्षा संपन्न हुआ था 29 नवंबर को, उस दिन का मैं बात बता रहा हूँ, और उसी दिन लगभग सभी कॉलेज को जैमर प्रोवाइड कराया गया था। उसके बाद 6 दिसंबर को जो इन्फोर्समेंट SI का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो भी बचे हुए कॉलेज थे वहाँ जैमर प्रोवाइड करा दिया गया था। अब इससे हुआ क्या, लगभग सभी केंद्र पर जैमर है और ये लोग जैमर का यूज कर रहे हैं और देख सकते हैं भिक्की एसयू ने आदेश भी दे दिया है कि जैमर आपको लगाना है, मतलब यहाँ मोबाइल करेगा नहीं। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको भिक्की एसयू ने साफ कह दिया कि भिक्की एसयू के सभी कॉलेज में जैमर लगाने का फरमान को जारी कर दिया गया है। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय प्रबंधन काफी सख्त हो गया है। 19 दिसंबर से शुरू होने वाली स्नातक पार्ट 3 सत्र 17-20 की परीक्षा में इस बार सभी केंद्र पर जैमर लगाया जाएगा। इसको लेकर कुल सचिव श्री कृष्ण ने सभी कॉलेजों में जैमर लगाने का पत्र जारी कर दिया है। देख सकते हैं 3 से 4 दिन में जैमर लगाने का काम पूरा हो जाएगा। जैमर लगने का मतलब है कि आप मोबाइल लेके भी जाते हैं तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, आप इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा छात्रों को दिक्कत हो गया है। लेकिन अब जो है उसी में आपको परीक्षा देना है, क्योंकि BEd के बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, अब पूरा मतलब जैसे कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते थे वैसे ही जा रहे हैं, कुछ लेके नहीं जा रहे हैं। कल भी बहुत सारे बच्चे गए हैं जिनका 8 तारीख का पेपर कैंसिल हुआ था, तो कल एग्ज़ाम हुआ है, कल भी ऐसे ही एग्ज़ाम हुआ है। देख सकते गश्ता दल, दरोगा, सिपाही, मतलब ये लोग से एग्ज़ाम कराया जा रहा है। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है। VKSU के क्या टीचर में वो गुणवत्ता नहीं है कि वो एग्ज़ाम करा सकते थे कि छात्रों को मतलब आप गश्ता दल के साथ एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन चलिए अब जैसा है, स्टूडेंट को तो यहाँ पर एग्ज़ाम देना है क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम कम्पिटिटिव तैयारी करते हैं छात्र, तो उन्हें तो एग्ज़ाम देना है। आपके पास 4 से 5 दिन है, आप लोग गेस पेपर नहीं लीजिए। देखिए गेस पेपर से होगा क्या, ऐसे लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गेस पेपर ले लीजिए, आपको पैटर्न एग्ज़ाम का पता चलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है क्योंकि 100 क्वेश्चन आपका आने वाला है, 90 मिनट पे बनाना है, मतलब आपके पास 1 मिनट से कम समय में 1 क्वेश्चन आपको बनाना है। और आप समझ सकते हैं गेस पेपर में आपको क्वेश्चन खोजने में टाइम लग जाएगा, तो आप थोड़ा सा जो भी आपका पाठ्यक्रम का सिलेबस है उस सिलेबस को जाके मार्केट से ख़रीद लीजिए, मार्केट में मिल जाता है, और वहाँ से सिलेबस को थोड़ा सा थ्रोली देख लीजिए। NCERT बुक से देखना है तो देख सकते हैं, नहीं तो आप जो भी सिलेबस है उसका टॉपिक को थोड़ा सा इंटरनेट पर डाल कर देख सकते हैं। आता है कोरा वेबसाइट, वहाँ से देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ प्रोफेसर लोग लिखे रहते हैं कोई भी टॉपिक को, तो वहाँ से देख सकते हैं। इसे हो गया क्या कि आप सिलेबस को थोड़ा सा देख के जाइएगा तो आपको कुछ नॉलेज हो जाएगा, और समय कम है तो हम ये नहीं कहेंगे पूरा बुक आप पढ़िए, ये संभव है नहीं, तो थोड़ा सा सिलेबस को देख लीजिए, इंटरनेट पर टॉपिक डाल के वो देख लीजिए, NCERT बुक को हल्का देख लीजिए, जो NCERT के बुक में लास्ट में रहता है पूरा जो भी पूरा चैप्टर है उसका पूरा एकदम लास्ट में 2-3 पेज में समझाया जाता है शॉर्ट में, उसको ज़रूर देख के जाइएगा। आप सेमी टाइम पढ़ाई मंत्रालय रिक्वेस्ट करता है जो NCERT का संक्षेप में अंतिम में दिया रहता है उसको ज़रूर देख के जाइएगा, हर चैप्टर में रहता है। और या आप देखते होंगे NCERT में एक रहता है DDU NO, ये सब टॉपिक को ज़रूर देख के जाइएगा, यही सब टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। क्योंकि अब देखिए VKSU आप कह दिया है कि जैमर लगाएंगे तो थोड़ा सा व्यवस्था पहले से अलग हो सकता है। हम मानते हैं कि BEd में उतना टाइट किया है, इतना ग्रेजुएशन में संभव नहीं क्योंकि यहाँ पे 70,000 छात्रों की संख्या है, लेकिन कुछ अलग देखने को रह सकता है, तो हमको अलग से क्या मतलब है, हम अपना तैयारी करके जाएंगे, हम कुछ दिन अपना सिलेबस देख कर जाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे,
बेस्ट विशेस करता है एनी टाइम पढ़ाई मंत्र, जितना है हम लोग हेल्प कर रहे हैं आपको, अपडेट दे दिए कि मान लीजिए कोई बच्चा जैमर नहीं समझता है तो समझ लेगा, तो जैमर यही रहता है, कंपटीशन में लगता है, अब आपका ग्रेजुएशन में भी लगेगा, मोबाइल वगैरह काम नहीं करता है। चलिए जो है अब तो 19 तारीख को पता चल ही जाएगा। बेस्ट विशेस एनी टाइम पढ़ाई मंत्रालय की तरफ से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।